खबर चौपानकी से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। बता दें, यहां एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की दूसरी मंजिल का लेटर गिरने से हादसा हुआ है। साथ ही एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई तथा दर्जन भर से अधिक श्रमिक लेंटर तले दबने से घायल हो गए। बता दें, करीब 12 श्रमिकों को मलबे से निकाल लिया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह व डीएसपी हरिराम कुमावत ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। वहीं देर रात राहत कार्य जारी रहा। बता दें, चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में एक पुरानी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को कुछ समय पहले ही खरीदा गया था। वहीं फैक्ट्री का नए सिरे से निर्माण करवाया जा रहा था। बता दें, घायल श्रमिकों में से 3 श्रमिकों को भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में अलवर रेफर किया गया है। राजधानी जयपुर जिले के ग्राम गोविंदगढ़ स्थित सर्व समाज शमशान घाट में स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 3 लाख की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय में ताले लगे हुए मिले। वहीं इन्हें खोलने के लिए वीडियो भागीरथ मल मीणा ने 8 दिन पहले आदेश दिए थे। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने ताले नहीं खोले हैं। बता दें, काफी समय पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत कस्बे से दूर सार्वजनिक शमशान घाट में शौचालय का निर्माण करवाया गया था, लेकिन बनने के बाद भी ताले लगने के कारण ये कई समय से बंद पड़े हैं। वहीं इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोविंदगढ़ विकास अधिकारी भागीरथ मीणा ने बताया कि शौचालय के ताले खुलवाने के लिए पंचायत समिति गोविंदगढ़ के द्वारा सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं। जहां एक तरफ राजस्थान सरकार और जयपुर के नगर निगम द्वारा सफाई अभियानों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर जयपुर के गोविंदगढ़ स्थित सर्व समाज शमशान भूमि के पास खाली पड़ी जमीन पर करीब 30 गाय और बैलों के शव पड़े होने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इससे प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्राम प्रमुख बबलू कुमार ने बताया कि गायों की दुर्दशा हो रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही कहा कि यहां पास में कस्बे का गंदा कचरा एक जगह ट्रॉली भरकर डलवाया जा रहा है। इस कचरे को प्लास्टिक की थैलियों को दिन भर गोवंश खाता रहता है। इस गंदगी के कारण गोवंश की जान पर बनाई है। वहीं पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नंद किशोर वर्मा ने बताया कि इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग बचा हुआ भोजन फेंक देते हैं। इस बासी और गंदे भोजन को आवारा घूम रहे गाय और बैल खा लेते हैं, जिससे पशु फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण पशुओं की जान जा रही है। रीढ़ की धांधली के बीच 2018 के व्याख्याता भर्ती का मामला सामने आया है। 2018 के व्याख्याता भर्ती के 3 अभ्यर्थियों के साथ धोखेबाजी करने का मामला बताया जा रहा है। यह मामला है गुडागोर जी का। जानकारी के मुताबिक गौरव सेनानी शिक्षक संघ ने कहा कि आरपीएससी व्याख्याता भर्ती 2018 के हिंदी विषय में जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की थी, उनके बाद वेटिंग लिस्ट में मेरिट में आने वाले 3 अभ्यर्थियों को मेरिट के हिसाब से कॉल करना था, परंतु तीनों अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन आरक्षण कोटे से मेरिट में थे। वहीं आरपीएससी ने उन तीनों को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों को कॉल कर उनके कागजात बीकानेर भेज दिए। इस सिलसिले में शिक्षा संघ ने बताया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजपाल फोगाट ने कहा कि इन तीनों को न्याय मिलना चाहिए। इसके चलते गौरव शिक्षा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। रोटरी क्लब मेरता मीरा ने अपने प्रोजेक्ट गौ संरक्षण के जरिए शिव शक्ति गौशाला में जरूरत की सभी दवाइयां उपलब्ध करवाई। साथ ही रोटरी क्लब के सदस्यों ने गौ सेवा का कार्य भी किया। वहीं क्लब की मेंबर पद्मा सोनी ने बताया कि क्लब की ओर से गौ संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्र की सभी गौशालाओं में गायों के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। वहीं ममता मोदी ने बताया कि पशु चिकित्सक से मिले परामर्श और जरूरत के मुताबिक गौशाला में गायों के लिए सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां पुलिस थाना गोविंदगढ़ में मंदिर में चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक बाल अपचारी निरुद्ध किया गया है। बता दें, दोनों आरोपियों ने शिवालय का दान पत्र तोड़कर चोरी की थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर आरोपियों को पकड़ा है। गोविंदगढ़ पुलिस ने बताया कि आरोपी बनवारी लाल गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं चोरी की वारदात के दौरान एक बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में जांच जारी है। खबर चांपा नगर पालिका से है, जहां राजकिरण दुग्गड़ उद्यान से थवाई होटल तक आरसीसी नाले का निर्माण किया जाना है। बता दें, 48 लाख की लागत राशि के साथ नाले का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान भूमि पूजन भी किया गया। यह कार्यक्रम चांपा नगर पालिका अध्यक्ष जे थवाईत व उपाध्यक्ष हरदेव देवांगन के जन्मदिन के अवसर पर सभी पार्षदों व अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। लवाण उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवार संघ के अध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में उप जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में बताया कि अनुसूचित 5 में की गई वेतन कटौती बंद करने को आदेश की पालना करने की मांग की गई है। साथ ही पटवारी संघ को तकनीकी अधिसूचित में शामिल करने की भी मांग की गई है। वहीं पटवारी के वेतनमान में सुधार करने को भी शामिल किया गया है। इस मौके पर सुनील शर्मा, सियाराम गुर्जर सहित अन्य पटवारी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल VMR भारत TV।